आविष्कार के तमाम संसाधन होने लगे हैं। इस वक्त हमारी टीम जो है मिठौरा ब्लॉक के कसमरिया गांव में है। कसमरिया गांव में लगभग 7-8 सालों से यहां पे की सबसे प्रचलित खेती है फूलों की खेती, जो ज्ञानेश्वर पटेल जी हैं। ये देखिए हमारे पीछे इनका पूरा ये पाली हाउस है, जो तमाम तरह से सुविधाओं से लैस है। ये देख सकते हो ऊपर जो है पूरा पानी का छिड़काव कवर है, पानी का छिड़काव है। इस वक्त जो है इस सेडनेट है पूरा। ये देख सकते हैं कि जो इसमें अब आगामी क्या व्यवस्था है, अगला ये किस चीज़ की खेती करना चाहेंगे इस अपने पाली हाउस में, हम इनसे जानकारी लेते हैं। इसमें ज्ञानेश्वर पटेल जी जो इस पाली हाउस के मालिक हैं, हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इसमें आगे इनका क्या प्रोग्राम है इस पाली हाउस के अंदर में। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम। नमस्कार। ये बता बढ़िया ये बताइए, आप ये पाली हाउस खोले हैं जी जी अपने गाँव में जी, बहुत नाम है आपका और कम से कम इस क्षेत्र में तमाम ऐसे लोग रोजगार भी दिए हैं। और आपका जो फूल है, लोग कहते हैं कि आपकी आपका जो आपके खेती का जो फूल है बनारस में, इलाहाबाद में, लखनऊ, तमाम जगहों पे जाते हैं। बताइए आखिर में कैसे आपको ये रोजगार ढूंढा, कैसे आप ये करना चाहे? मैं 2011 में लखनऊ से पढ़कर अपनी पढ़ाई पूरी करके और नौकरी में 2 साल करने के बाद पिताजी स्वस्थ होने के बाद मैं यहाँ पर आया था। 2011 में मार्च के महीने में वापस आ गया था। एक एडिटोरियल में पढ़ा था पुष्प खेती के बारे में, मतलब पाली हाउस में प्रोटेक्टिव, मतलब संरक्षित खेती क्या है। उसमें संरक्षित खेती में फूल की खेती और शिमला मिर्च की खेती के बारे में पढ़ा था। उसके बाद मैंने इस पर बहुत सारा सर्च किया और जानकारी ली, और उद्यान विभाग में मैं उस गया था, वहाँ पे पाया कुछ, वहाँ से जानकारी मिली और वहाँ से सहयोग मिले। उसके तहत मैं 2017 में गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो संरक्षित खेती को लेकर पाली हाउस उत्पाद खेती के लिए, उसमें मैंने अप्लाई किया और अपने प्रोजेक्ट को डाला। और 2017 अगस्त के महीने में जरबेरा पुष्प का यहाँ पे उत्पादन शुरू किया। जरबेरा जी, पहला मेरा पुष्प जो था जरबेरा रहा, और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा और उसमें लोगों को रोजगार भी मिला। लगभग कितने लोगों के आप अपने पाली हाउस में कितने लोग रोजगार दे चुके हैं? देखिए रोजगार तो इसमें परमानेंट 3 से 4 आदमी हमारे रहते थे और महिलाएं अलग से आती थीं, क्योंकि पुष्प को तोड़ना, निराई गुड़ाई, साफ सफाई, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती थी, गतिविधियाँ जिन्हें करना अनिवार्य होता था। क्या बता रहे थे आपकी आपके मन में कैसे ये एक एडिटोरियल पढ़े थे तो उसके हिसाब से ये संरक्षित खेती को लेकर उसमें लिखा हुआ था, जरबेरा पुष्प उत्पादन को लेकर, चौर शिमला मिर्च की खेती को लेकर पाली हाउस में। उसके बाद मैंने खोजबीन किया, 2017 में जाकर इसको मैंने डन किया था, जिसमें जिसमें सरकारी सहयोग मिले थे, अनुदान मिला था मुझे। कितना मिला था अनुदान? मुझे 15 लाख रुपये का मिला था। और उद्यान विभाग का उसमें महाराजगंज उद्यान विभाग का बहुत बड़ा सहयोग हो रहा है, और इसके सहयोग में मतलब अधिकारी व्यक्तिगत तौर पे अपने लगे रहे। वो अभी इस जो पाली हाउस है उसका गुड़ाई निराई मैं देख सकता हूँ, पूरे आपने तैयार करा दिया है। बताइए इसका अगला प्रोग्राम इसमें कौन सा? सुनने में आता है आपके पाली हाउस का फूल काठमांडू तक जाता है। हाँ। तो ये बताइए आप इसमें गुलाब की खेती कर रहे हैं तो कैसे करेंगे और अगला डिमांड क्या रहेगा? देखिए पहले जो है कोरोना से पहले या कोरोना तक ले हमने जरबेरा पुष्प का खेती किया था, और जो अभी आपने कहा काठमांडू, हकीकत में अपने महाराजगंज का फूल काठमांडू तक गया है, लखनऊ, बनारस, काठमांडू, दिल्ली तक के भी लोगों ने मुझसे टच किया, लेकिन वहाँ तक मैं नहीं भेजा। और यहाँ अपना लोकल यही सब एरिया मिलाकर गोरखपुर, लखनऊ का और ये बनारस और काठमांडू ज़्यादा मेरा जाने लगा था, तो इसी में खपत हो जाता था। और अब जब जरबेरा ख़त्म हो गया है तो अभी ये जो आप देख रहे हैं जोताई हो गई, कम से कम इसकी 4 बार जोताई हुई है, दो बार कल्टीवेटर, 2 बार रोटावेटर से मिट्टी को भुरभुरी की गई है, और अभी इसकी तैयारी चल रही है गुलाब की खेती, जो मेरे लिए एक चैलेंज है कि महाराज में गुलाब नहीं हो सकता है। महाराज में आप गुलाब खेती करके पूरा जनपद खुशबू करेंगे? हाँ, वो खुशबू नहीं है, जो स्टिक वाला गुलाब होता है, एक तरह से फूल तो ऐसे खुशबूदार होते हैं, रंगीन होते हैं, देख के दिल खुश हो जाता है। तो प्लानिंग यही है, बातचीत सारी हो चुकी है, पौधों की बुकिंग हो चुकी है। इसमें कब तक गुलाब के पौधे जो है कब तक बड़े हो जाएंगे, कब तक लोगों की डिमांड? देखिए सब कुछ तो गर्मी है, अगर गर्मी अभी बारिश हो गए रहते अपने महाराजगंज में तो अभी हमारा काम चालू हो गया था, सिर्फ गर्मी के कारण हम उसको डिले किए हुए हैं, रोके हुए हैं, नहीं तो हमारी तरफ से भी तैयारी शुरू हो रही है। देखिए 20 तारीख के बाद से लड़के आएंगे काम करने वाले, जो बेड उठ का प्रिपरेशन करेंगे, प्लांटेशन करेंगे, वो लोग 20 तारीख के बाद, उनका प्लानिंग है 20 से 25 के बीच में आने के लिए बोले। मतलब मांग की बरसात के आखिरी, हाँ जुलाई के फर्स्ट वीक तक प्लांटेशन हो जाना है, क्योंकि मुझे सितंबर तक हार्वेस्ट करना है। हाँ दशहरा का मेरा टारगेट है, नवरात्र जब शुरू हो तो अपने यहाँ अपने महाराजगंज का गुलाब निकलना शुरू हो, क्योंकि जरबेरा ने महाराजगंज की बहुत पहचान बनाई है, उसी हिसाब से मेरी कोशिश होगी कि महाराजगंज का गुलाब ही पहचान बनाए।
ये थे हमारे साथ ज्ञानेश्वर पटेल जी, जिनका कहना है कि मैं अगली खेती जो मेरी तैयार हो रही है वो गुलाब की खेती होगी और लाजमी है महाराजगंज की जो खुशबू है इसी गुलाब से निकलेगा, महाराजगंज जिले से और तमाम ऐसे प्रदेशों में और अमूमन कहिए कि काठमांडू जैसे जगहों पे महाराजगंज का जो गुलाब है वहाँ पे पहुँच के खुशबू फैलाएगा। शिवेंद्र चतुर्वेदी, डायनामाइट न्यूज, महाराजगंज।